हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का चैप्टर सेवन ट्रायंगल, जो कि एक्सरसाइज जिसकी 6.7.1 है, आज हम उसका क्वेश्चन फर्स्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखो, क्वेश्चन फर्स्ट को आज हम पढ़ लेते हैं। क्या है? इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। यानी ये जो क्वाड्रिलेटर दिया है, इसमें क्या है, ए सी जो है ए डी के इक्वल में है, और ए बी को क्या कर, ये ए बी जो है एंगल ए को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी काट रही है। सो दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है हमारे एंगल ए बी डी के। यानी ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट हमें शो कराना है, ए बी डी के हमें कराना है। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? हम क्या कहेंगे बी सी और बी डी को, हम क्या कह सकते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में क्या मेन होता है, गिविन। गिविन हमारा मेन होता है, गिविन हम लिख लेंगे। गिविन हमें क्या दिया है, गिवन हमें दिया है ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी हमें गिवन दिया है, और ए बी बाइसेक्ट, ए बी बाइसेक्ट हमें कर रहा है यहाँ पे एंगल ए को। यानी एंगल ए को, ये जो ए बी है हमारी, ये वाली जो लाइन पूरी, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। अब देखिए, टू प्रूफ में हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमें लिखना है ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्राइंगल ए बी डी के, ए बी डी के। अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे प्रूफ में हम क्या लिखते हैं, प्रूफ में लिखेंगे हम इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। तो देखिए क्या लिखेंगे, ए बी सी में और ए बी ए डी बी या ए बी डी में, इन दोनों के बीच के ट्राइंगल्स में क्या लिखेंगे, अगर हम कोई भी तीन कंडीशन, हम कंडीशन के हिसाब से अगर कोई भी हम तीन प्रॉपर्टीज में फिल कर दें, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा जो क्वेश्चन है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब चाहे ऐसे ऐसे लगा लीजिए प्रॉपर्टी, चाहे ऐसे ऐसे लगाइए, चाहे ए एस ए लगाइए, आर एच एस लगाइए। तो देखिए, सबसे पहले कंडीशन लगती है हमारी ए सी, इसमें लगेगा हमारा ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये क्या है हमारा गिविन है। देखिए, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी हमारा गिविन है, ये हमारी क्या होगी, साइड हो गई। देखिए अब क्या आता है हमारा एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल है हमारे एंगल डी ए बी के। देखिए, एंगल सी ए बी ये वाला एंगल, एंगल डी ए बी ये हमारा इक्वल है, ये क्या है एंगल है हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमारा एंगल है, हाँ, ये भी हमें गिविन दिया गया है, ये भी हमें गिविन दिया गया है। तो देखिए, अब एंगल, अब क्या आता है, ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, यानी ये जो ए बी है, ये इक्वली अपने आप में इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि इस ट्राइंगल में भी ए आ रही है और इस ट्राइंगल में भी ए बी आ रही है, तो ये कॉमन हो जाएगी। तो ये क्या आएगा हमारा, ये कॉमन हो जाती है, कॉमन। और देखिए, ये क्या हमारा साइड है, ये भी क्या हमारी साइड। तो देखिए, एस ए एस यानी साइड एंगल, साइड वाली प्रॉपर्टी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होता है हमारा ट्राइंगल ए बी डी के। इस तरीके से हमारा ये जो प्रूव्ड हो चुका है, ये जो क्वेश्चन है हमारा ये प्रूव्ड हो चुका है। और इसके वजह से हमने ये क्या क्वेश्चन में देखा था, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, अब हम बी सी और बी डी के बारे में क्या कहेंगे। तो बी सी इक्वल है हमारे बी डी के, क्यों क्यों इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी जब कॉन्ग्रुएंट आ गया हमारे ट्राइंगल ए बी डी के प्रूफ में, तो ये हमारी बी सी इज इक्वल्स टू बी डी होगी। और यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।